अगर इस तरीके से उनको लोगों को उनको बच्चों को अगवा करें और उनको उसके बाद इसकी बुजुर्गों की आप खुद हालत देख सकते हैं। ठीक है, मुझे कुछ चीज़ ही दे दो, डेड बॉडी दे, कुछ तो दो यार, मुझे पता चले मेरा बच्चा है कहाँ, जिंदा भी है मर गया, कुछ तो बताओ। लेकिन बेहिस्सी हमारे इन तमाम एजेंसीज की एफर्ट यही थी, इन्होंने पहले पुलिस से कॉन्टैक्ट किया कराची कमी से ताकि ये पता चले कि इसके व्हेयरअबाउट्स कहाँ हैं, पुलिस ने किसी किस्म का तावन करने से इनकार कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। मैं मौजूद हूँ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ पर अहम तरीन केसेज की समाअत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अज़हर मिशवानी के भाइयों के बाजियाबी के हवाले से। दरख्वास्त जो है वो ज़ेर समाअत है। अज़हर मिशवानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा भी हैं, फोकल पर्सन हैं, उनके भाइयों को लाहौर से गायब किया गया था और उस केस को यहाँ पर हायर किया गया है और उसकी समाअत होना है। उसके साथ ही इंटरनेट की बंदिश के हवाले से अहमद मीर साहब ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। साथ ही मोहम्मद फैज़ान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उनकी बाजियाबी के हवाले से भी यहाँ पर केस की समाअत है। अब VDSL में सोशल मीडिया में आ गए, उसके बाद उन्होंने जो है रात के अंधेरे में 3:30 बजे जो है उठा के ले गए और सबसे वापस जाते हुए जो है रास्ते में उन्होंने उठाया। ना मुझे पता है, ना मेरी वाइफ को पता है, ना हमें पता है। हम तो सुबह से लेकर रात तक रोते हैं और रात को रो सुबह तक रोते हैं। ना हम जी सकते हैं ना मर सकते हैं। और जज साहब को मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि मुझे फांसी की आर्डर कर दे, मेरे को फांसी लगा दे, इससे आगे और कुछ नहीं। इनका केस ही मैं उस बच्चे जो इनका बच्चा फैज़ान जो मिसिंग है उसके केस मैं फाइल किया, मैंने पटिशन फाइल किया। जज साहब ने इसमें सिटी डिफेंस को भी कॉल किया था, सिटी इंटीरियर को कॉल किया था, और IG इस्लामाबाद को भी कॉल किया था। बेसिक सिर्फ ये है कि एक आदमी जो सोशल मीडिया टीम जो GA ऑफिस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें जॉब करता था। और जॉब करने वाला शख्स है, ज़ाहिर है उसका और कोई पॉलिटिकल एम तो है नहीं, वो जॉब करता है। वहाँ पे जब PTI का रेट पड़ा तो ये लड़का एट दैट टाइम रेट में नहीं था, ये बायर था। बाद में जब इसे बुलाया गया वहाँ पर GA ऑफिस जाता है तो वहाँ से उसके बाद ये किडनैप होता है और उसके बाद से ये मिसिंग है ये बच्चा। एफर्ट यही थी, इन्होंने पहले पुलिस से कॉन्टैक्ट किया कराची कमी से ताकि ये पता चले कि इसके व्हेयरअबाउट्स कहाँ हैं। पुलिस ने किसी किस्म का तावन करने से इनकार कर दिया। अल्टीमेटली नो ऑप्शन के तहत हम फिर हाईकोर्ट में आ गए। हाईकोर्ट में जब हमने रिट फाइल की तो फिर पुलिस ने आके हमारी उसी एप्लीकेशन को, जो हमारी एप्लीकेशन पहले मूव की हुई थी, उसी ऊपर एक FIR दे दी मिसिंग की, जैसे नाम ली एक रूटीन प्रैक्टिस है जी कि इसको किसी ने अगवा कर लिया जी, एक एप्लीकेशन एक FIR दे देते हैं ताकि जस्टिफाई करने के लिए, जस्ट कि हमने जी अब अपनी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, हमने उसको अगवा की FIR दर्ज कर दी। इनफैक्ट ये मकसद नहीं है FIR करना, क्या हमारी ये जितनी यहाँ पे एजेंसीज हैं या जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं, उनका कॉन्सेप्ट, उनका काम नहीं है ये कि वो उन बंदों को रिकवर करें, उन बंदों के व्हेयरअबाउट्स समझे। अगर ये इस काबल नहीं है, ये नहीं जान सकती कि वो उस बंदे के व्हेयरअबाउट्स क्या हैं, वो बंदा कहाँ पे मिसिंग है, तो फिर ये एजेंसीज का हमने रखने का फ़ायदा क्या? हमने इतने जो एक्सपेंसेस इनके बेयर कर दिए हैं, एक स्टेट यानी इनका हमारा जो टैक्स पैसा होता है उससे ये लोग सारे चलते हैं, सिस्टम चलता है, और सिस्टम का हमें क्या फ़ायदा जिस सिस्टम हमारे बच्चों को ट्रेस ना कर सके। और ये दूसरी बैड लक जो हमारे साथ है, अगर किसी शख्स ने कोई और कोई हरकत की है या किसी और आपको वांटेड है, उसकी बिहाफ पे आप उसकी फैमिली को अभी भी जैसा भी यही बोल दिया कि उसके बच्चे का क्या कसूर है या उस बाप का क्या कसूर है या उसके भाई का क्या कसूर है, जो लड़का डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं, इसको भी किसी तरीके से शायद कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि ये भी अज़हर मिशवानी साहब की टीम का हिस्सा है, इसको कनेक्ट करने की यही कोशिश, क्योंकि ये पहले भी जब सोशल मीडिया टीम पे वहाँ पे जब PM हाउस प्रेसिडेंट ऑफिस में काम कर रहा था, एट दैट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उसके बाद वहाँ से इसको निकाल दिया गया। अल्टीमेटली इसको यहाँ पे एक अच्छी ऑफर मिली, एक अच्छी जॉब मिली, यानी पेइंग करने वाला जॉब, नौकरी करने वाला बंदा वो आगे यहाँ पर नौकरी कर रहा है। क्या इस मुल्क में नौकरी करना किसी ऐसे ऑफिस में जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी को बैंड पार्टी नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टी अपना सारा चला रही है, जिसके पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, उनके ऑफिस में किसी को वर्क करने वाले को 20 बेस पे उठा लीजिएगा ताकि लोगों के अंदर एक हरासमेंट पैदा किया उसको सारे छोड़े, तो ये एक खुदा के लिए प्रैक्टिस बंद करें, इस तरह लोगों को अगवा करना मत छोड़े। क्या इससे ये समझ रहे हैं कि लोग आपसे प्यार करेंगे? ये क्या ये प्यार कराने का तरीका है? वरना लोग तो नफरत करेंगे आपसे कि अगर इस तरीके से उनको लोगों को उनके बच्चों को अगवा करें और उनको उसके बाद इसकी बुजुर्गों की आप खुद हालत देख सकते हैं। अभी आपके सामने मीडिया टीम के सामने खड़ा है, अभी इनकी हालत देख सकते हैं कि बेचारा 76 ईयर के बुजुर्ग, क्या 76 ईयर के बुजुर्ग अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए इन कोर्टों के अदालतों के देखे खाने पर मजबूर किया जाएगा कि वो अदालतों से जाके बार बार भागता रहे, क्योंकि उसे कहीं से और बच्चों की उसकी माँ जो उस बच्चे की जो बता रही है 65 साल की उम्र है, वो मरने के जगह पे अभी मुझे रास्ते में ये बात कर रहे थे, कहते हैं यार बच्चे के मुझे कुछ चीज़ ही दे दो, डेड बॉडी दे, कुछ तो दो यार, मुझे पता चले मेरा बच्चा है कहाँ, जिंदा भी है मर गया, कुछ तो बताओ। लेकिन बेहिस्सी हमारे इन तमाम एजेंसीज की, इन तमाम जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, मैं सबको शामिल करता हूँ, सब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की ये बेहिस्सी है कि इनको ये नज़र नहीं आता कि उस बाप पे, उस माँ पे, उस बहन पे, उस भाई पे, उस बीवी पे या उस बच्चे पे क्या गुजर रही है।
इनके उस फैमिली के अंदर, उस खानदान के अंदर क्या गुजरी है, ये इनको शायद एहसास ही नहीं है या हमारे अंदर ये एहसास ख़त्म हो चुका है। तो काइंडली मेरी अभी इस मीडिया के जरिए तक खुदा अगर ये काम बंद करिए, अगर किसी खिलाफ केस है कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें, जो लॉ कहता है, आइन कहता है हमारा, अगर उसके खिलाफ FIR दें FIR, आप उसको वो कोर्ट ऑफ लॉ में फेस करे, बेल होती है, जो भी होती है वो अपना प्रोसेस करेगा, लेकिन डजेंट मीन कि आपको इसे मिसिंग पर्सन बना के एक अनलिमिटेड टाइम के लिए, एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए उसको डिटेन करके रखा जाएगा। तो ये रब्ता किया गया किसी किसी की तरफ से पेरेंट्स के साथ करने का, यही काम करते हैं एक फॉर्मेलिटी। एक मिनट, कराची कंपनी का जो SHO मेरे पास आया था, उसने मुख्तलिफ सवाल किए थे कि उसके दोस्तों का नंबर दे दो, उनका एड्रेस दे दो। मैंने कहा मैं मुद्दे ही हूँ, मुलजम नहीं हूँ, आप एजेंसी के ऊपर हाथ डाल सकते हैं। उसने कहा मैं नहीं डाल सकता। फिर मैंने कहा मेरे पास किस लिए तुम आए हो, जब एजेंसी के ऊपर तुम हाथ नहीं डाल सकते तो फिर मेरे पास किस लिए आए हो। ये बात को लेके चलता हूँ, ये जो रब्ता करने का मतलब क्या होता है, सिर्फ फाइलों का पेंट भरना, हमने जी ये किया, हमने ये जिंदगी लिख दी, हमने ये किया, जिस तरह अज़हर मिशवानी के पेरेंट्स के साथ रब्ता किया गया कि अपना अकाउंट डिलीट कर दें, ट्वीट डिलीट कर दें, ये पोस्ट डिलीट कर दें, हमारा तो छोड़ देते हैं, इस तरह का नहीं, पॉलिटिकल तो ये नहीं है, ये तो गवर्नमेंट मीडिया टीम का हिस्सा है, जिसका काम है ग्राफिक करना, ये जो भी करना, जो उसको काम असाइन किया जाता है उसको करना, ये तो पेड एम्प्लॉई है। तो केस की क्या अब नौयत है, ऑर्डर क्या है? जज साहब ने आज EG अटॉर्नी जनरल यहाँ पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से या तमाम उन लोगों से जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बात करता हूँ, तो हम इसका कोई रेजोल्यूशन निकालते हैं इंशाल्लाह। इस तक मैं इसको पॉजिटिव, हम भी जज साहब ने भी इसको बात को डेफिनेटली, एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल, तो उसने अगर बात की है तो डेफिनेटली जज साहब भी उनको ऑन किया, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको टाइम देता हूँ, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, 22 तारीख तक उन्होंने टाइम दिया इनको नेक्स्ट जो, तो हम होपफुल हैं अभी भी, हम बेसिकली हम भी चाहते हैं यार खुदा के लिए इन बंदों को छोड़ दें, अगर इनके खिलाफ कोई FIR देनी तो दें, ताकि वो कोर्ट ऑफ लॉ में अपना केस फेस कर सकें। बट दैट डजंट मीन कि आप एक बंदे को मिसिंग रखें और ना उसकी वेयर अबाउट्स का पता है, वो कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा, तो ये चीज़ें बंद करें, ये बहुत हो चुका। थैंक यू।